स्प्लिट्सविला और कुंडली भाग्य टीवी एक्ट्रेस ईशा आनंद शर्मा इसी साल जल्द ही मां बनने वाली हैं। ईशा ने अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए ये जानकारी दी है। बता दें, ईशा ने अपने बेबी बम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें मां बनने की खुशी उनके चेहरे पर झलक रही है। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल NN बॉलीवुड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। ईशा ने इसी साल मई में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड वसदेव सिंह जसरोती से होम टाउन राजस्थान में शादी की थी। ईशा को कुंडली भाग्य और छोटी सरदारनी जैसे शो में पहले देखा जा चुका है। ईशा ने तस्वीरों के साथ कैप्शन भी लिखा जिसमें ब्लेस्ड लिखा हुआ था। ईशा ने अपने इंटरव्यू के दौरान प्रेगनेंसी की जानकारी देते हुए उसके अनुभवों के बारे में बात की थी। ईशा आनंद ने अपनी प्रेगनेंसी की पुष्टि करते हुए कहा, मेरा 5वां महीना चल रहा है और दिसंबर में डिलीवरी की डेट दी गई है। भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है और मेरे अंदर पल रहे इस बच्चे से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। मदरहुड जर्नी के बारे में बात करते हुए ईशा ने ये भी कहा कि मैंने सुना है कि माँ बनने की जर्नी आसान नहीं होती है। मैं इससे सहमत हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि ये एक महिला की जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर होता है। मदरहुड को अपनाने का पहला कदम उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से स्वीकार किया है। साथ ही ये भी कहा कि मैं जल्द ही एक माँ बनने जा रही हूँ और चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, लेकिन आखिर में ये पॉसिबल होगा। ईशा आनंद शर्मा ने ये भी बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान उनके पति वासदेव उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं और हमेशा नए नए रिसर्च करके उन्हें बताते रहते हैं। एक्ट्रेस ने कहा, वो रिसर्च करते रहते हैं और मुझे जरूरी जानकारियाँ देते रहते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि मैं प्रेगनेंसी के वजन के बाद भी काफी सुंदर लगती हूँ, जो अब तक 15 किलो बढ़ चुका है। वो मेरा और मेरे खान पान का अच्छा ख्याल रखते हैं। ईशा अपनी प्रेगनेंसी फेज को बहुत इंजॉय कर रही हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।